लोगों को देखता हूँ सिलेक्टर को गालियां देते हैं जी, अरे यार इसने मेरा बच्चे को सिलेक्ट नहीं किया। परफॉर्मेंस इज द ओनली क्राइटेरिया टू गेट अ प्लेयर सिलेक्टेड। इस तरह के क्रिकेटर होते हैं, एक तो ऐसा होता है कि सक्सेस को सक्सेस से डरता है जी। और दूसरा जो प्लेयर है वो दूसरा प्लेयर ऐसा होता है कि मुझे और सक्सेस चाहिए जी। मैं देख रहा हूँ कि क्वालिटी में फर्क नहीं है जी, फर्क माइंडसेट में, फर्क स्ट्रीट स्मार्टनेस में जी जी। आज एक बच्चा मैं अगर देखता हूँ तो उसमें कभी कभी ऐसा लगता है ये सचिन जो कवर ड्राइव मारता था कभी कभी उसके जैसा नहीं, लेकिन उससे कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे इसके पास भी वो टैलेंट है जी। लेकिन उनका जो माइंडसेट है वो माइंडसेट कहीं तो भी रुक गया है। रोहित शर्मा जी, ये जो इंडिया को खेल रहे हैं वो ओनली बिकॉज ऑफ मिस्टर वेंगसरकर सर जी। वेंगसरकर सर ने सबको, जो बड़े बड़े विराट कोहली वगैरह सबको वेंगसरकर सर ने लाया। इंटरव्यू अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, मुंबई के रणजी ट्रॉफी टीम के सिलेक्टर संजय पाटिल सर। क्रिकेट अपना में आपका स्वागत है सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें। संजय सर के बारे में बताना चाहूंगा, खुद रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टीम का हिस्सा रहे हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अच्छा किया इन्होंने। और संजय सर उस टीम का हिस्सा थे जिसमें सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली, दिलीप वेंगसरकर, रवि शास्त्री और प्रवीण आमरे जैसे सितारे खेला करते थे। प्लेयर्स के साथ संजय सर ने खेला है और ये बड़े गौरव की बात है कि आज हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले तो मैं अपने क्रिकेट अपना में उनका स्वागत करता हूं और हम उनकी क्रिकेट जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं कि इंडिया में बहुत गेम खेले जाते हैं तो उनका क्रिकेट से जुड़ाव कैसे हुआ, किसको देख के इंस्पायर हुए कि वो हमको क्रिकेट खेलना चाहिए। सबसे अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, किससे देख के जी। इम्पोर्टेंट क्या है ना, आपके मन से होना चाहिए कि मैं ये क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, एक जुनून होना चाहिए। और जब पहले से मैं शुरू में सी डिवीजन कांगाली खेल, यस, फिर सी डिवीजन टाइमशील्ड बीएमसी के लिए खेल जी, एच डिवीजन टाइमशील्ड खेलता, तभी मेरे मन में ऐसा नहीं था कि मैं बॉम्बे खेलूँ। क्योंकि उस टाइम एक ही जुनून था कि जो मैच मैं खेलने जा रहा हूँ वो मैच मेरे लिए रणजी ट्रॉफी होगी, वो टेस्ट होगी। आज के बच्चे लोगों को मैं इस जरिए मैं बताना चाहता हूँ, यस, बोलना चाहता हूँ कि आप आगे का मत सोचो जी। जो मैच खेल रहे हो, जो नेट आपको कोच बता रहा है जी, वो आपका टारगेट होना चाहिए जी। वो मेरी मैच मेरे लाइफ की सबसे बढ़िया मैच जी जी। और ये जब आप ये जुनून आप में आएगा, आएगा ये मैच मुझे जीतनी है जी जी, अल्टीमेटली यू विल गो टू हायर लेवल। आप बहुत आगे की सोच के आपका एक्सपेक्टेशन बढ़ता है जी, आपका परफॉर्मेंस नहीं बढ़ता है जी जी। परफॉर्मेंस करंट मैच में बढ़ता है तो उसके ऊपर आपको कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए जी जी। तो जब मैं बीएमसी में खेल रहा था तो मुझे नहीं पता था कि मैं रणजी ट्रॉफी खेलूंगा या मैं बिशन सिंह बेदी के साथ खेलूंगा या पैडी शिवर के, नो जी। मुझे ये मैच था कि ये मेरी मैच है, ये मुझे बॉम्बे के लिए म्यूनसिपालिटी के लिए जितानी है जी जी। जब मैं इस्लाम जिमखाने के लिए खेला तो मैं वो सोचता था कि मेरा इस्लाम जिमखाना कैसा चैंपियन होगा जी जी। मैं ये सोचता था कि जब मैं राजस्थान को खेला तो मैं वही सोचता था कि राजस्थान टीम कैसे जीतेगी जी जी। तो आपको ये देखना है कि जब आप कौन सा भी क्लब, कौन सा भी टीम रिप्रेजेंट करते हो तो ये सोचो कि ये टीम को जिताने में मेरा कितना योगदान है जी जी। और जब आपका योगदान 70-80% होगा तो आप में वो एबिलिटी है कि बड़ा क्रिकेट खेलने। आप पहले से देखिए सब लोगों को जी जी, गावस्कर साहब से लेके अब सचिन तक जी, वो जो जो क्लब को खेले, जो जो टीम को, जो जो यूनिवर्सिटी को खेले, उनको चैंपियन बनाने में उनका 90-100% योगदान था जी जी। आज मैं वही देख रहा हूँ, इतने सालों से मैं रणजी सिलेक्टर हूँ, यूनिवर्सिटी सिलेक्टर हूँ जी जी, अंडर 14 चेयरमैन, 19 चेयरमैन जी। सिर्फ यही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम टेक्निक में नहीं है, प्रॉब्लम परफॉर्मेंस में नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि कई अच्छे क्रिकेटर अभी मुझे दिखाई देते जी जी, लेकिन प्रॉब्लम वही है जी, कि वो पहले से ही आगे का सोचते जी जी। तो ये सबसे बड़ी सीख होनी चाहिए कि जब आप किसी टीम को रिप्रेजेंट करते हो तो वो टीम को चैंपियन बनाने में आपका योगदान कितना है। तो जब मैं बीएमसी खेल रहा था तो बीएमसी में मैं वही सोच रहा था कि मेरी बीएमसी चैंपियन होनी चाहिए, यस, और हम 3 साल चैंपियन हो गए जी जी। मैं जब कोलगेट में खेला उसी साल हम चैंपियन हो गए,
हमारा योगदान क्या है। जी जी। तो ये हर बच्चे ने सोचना चाहिए कि मैं जो मैच खेल रहा हूँ, मैं जो कोच के साथ सीख रहा हूँ, मेरा योगदान कितना है, कि जो कोच मुझे सिखा रहा है, पढ़ा रहा है, वो मैं कितना इम्बाइब कर रहा हूँ। जी जी। आप 70% आपका प्रतिशत 70% है जी जी, तो आप बड़े क्रिकेटर हो सकते। बोलिए। दूसरा, आपने नेशनल लेवल पे रणजी ट्रॉफी में मुंबई का प्रतिनिधित्व किया। हर किसी का एक ख्वाब होता है कि हम अपने देश के लिए खेलें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्रिकेट खेलें। आपको कहाँ लगता है कि हम कहाँ पे अपने में कमी रह गई, या ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे कि ताकि आने वाले युवा उस कमी को दूर करके और अच्छी मेहनत करके अपने देश का प्रतिनिधित्व करें। मेरा सिलेक्शन कमिटी में एक्सपीरियंस इतना है 17-18 साल जी, मैं देख रहा हूँ कि क्वालिटी में फर्क नहीं है जी, फर्क माइंडसेट में, फर्क स्ट्रीट स्मार्टनेस में। जी जी। आज एक बच्चा मैं अगर देखता हूँ तो उसमें कभी कभी ऐसा लगता है ये सचिन जो कवर्ड रहे मारता था जी, कभी कभी उसके जैसा नहीं, लेकिन उससे कभी कभी एक ऐसा लगता है कि अरे इसके पास भी वो टैलेंट है जी, लेकिन उनका जो माइंड सेट है वो माइंड सेट कहीं तो भी रुक गया है। जी जी। See, always there is action, reaction and counter action. जी जी। So, बम्बई जो थी वो पार्ट थी रिएक्शन की। जी जी। कि जब हमारे ऊपर कोई हमला करता है, अगर दिल्ली आ रही है, कर्नाटक आ रही है, उत्तर प्रदेश आ रही है, यानी क्रिकेट में बोल, जी जी, तो हमारा रिएक्शन पॉइंट इतना पावरफुल था कि हमको क्या करना है जी, हम लोग वहां मिस कर रहे हैं। वो पॉइंट जो है एक्शन रिएक्शन काउंटर, तो रिएक्शन पॉइंट जो था कि हमको क्या कहा, एक मैच में बता रहा हूं कि हम लोग दिल्ली के सामने खेल रहे थे क्वार्टर फाइनल्स जी, हमारे टीम में थे वेंगसरकर सर, सचिन, संजय, लालचंद राजपूत, चंद्रकांत पंडित, संजय मांजरेकर, राजू कुलकर्णी, सरीर अंकोला, ये सब हमारे दिग्गज थे। उनमें भी भास्कर पिल्ले, अजय शर्मा, सुरेंद्र अजय शर्मा, मनिंदर सिंह, मनोज प्रभाकर, भास्कर पिल्ले, कीर्ति आजाद जी, वो भी बड़े थे जी। बॉम्बे की मैच थी फिरोज शाह कोटला पे, और वो मैच हमें जीतनी थी, तो हमारे टीम में भी इतने बड़े प्लेयर थे, वहां पे भी उतने बड़े प्लेयर थे, क्वार्टर फाइनल थी, तो सब जन बैठे थे कि संजय मांजरेकर कैप्टन था, संजय मांजरेकर ने सबको पूछा आप अपने व्यूज दे दो, मुझे ये मैच जीतनी है। हर जन हर एक का व्यू दे रहा था, सचिन ने कहा कि हमको बड़ी बैटिंग रन करने चाहिए, विनोद ने कुछ कहा, विनोद कामली ने कहा, चंद्रकांत पंडित ने कहा, सबने अपने व्यूज दिए कि हमको ये करना है। कॉर्नर में वेंगसरकर सर बैठे थे जी, जी। और उन्होंने जब संजय ने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप बताइए क्या होना चाहिए, जो उन्होंने कहा वो हर बंबई क्रिकेटर को सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि 5 दिन की मैच है, 5 दिन में ये सोचो कि हम लोग ग्रेट है, कोई दोस्ती नहीं रहेगी क्रिकेट में, कोई किसी से बात नहीं करेगा, अपने पे भरोसा रखो, मुझे ग्राउंड पे हाय हेलो नहीं चाहिए जी, अपनी एबिलिटी पे भरोसा रखो, और उनको हर बार ऐसा सोचने दो कि हम लोग सुपीरियर है, आप हमारे नीचे है जी, जी। और जब हम लोग प्रैक्टिस करने गए तभी ग्राउंड पे मनोज प्रभाकर और रमन लांबा रनिंग कर रहे जी, और तभी वेंगसरकर सर इंडिया कैप्टन थे जी, और एग्जैक्टली उन्होंने जो कहा वही कहा और किया। वो जब जा रहे थे तो मनोज प्रभाकर ने उनको विश किया गुड मॉर्निंग सर दिलीप, उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया जी। तो उसी टाइम मनोज प्रभाकर आगे जाके रुके, उनको पता नहीं चला कि ये क्या हो रहा है, और 5 दिन हम लोग उनसे बात नहीं कर रहे जी। तो मेंटली हम लोग ने उनको इतना नीचे गिरा दिया कि वी वन दैट मैच बाय 1 रन और हम लोग फाइनल में आए कपिल के साथ, यस, हरियाणा। तो जो माइंड सेट होता है कि डोमिनेशन, बॉम्बे का मेन था डोमिनेशन जी, जो आप सुधीर नाइक सर से लेके देखो जी, जी। कि जब मैं मैच रेफरी करके गुजरात में गया था तो धीरज परसाना साहब थे जो मफतलाल के लिए खेलते थे, बाद में जोन वगैरह इंडिया खेले। अच्छा कभी लगा कि जब मैं उनके बाजू में बैठा था
तो उन्होंने पहला पूछा कि सुधीर नायक कैसे है। जी जी। तो मैंने पूछा सर, बोलता है खड़ूस आदमी था। मतलब तो क्या हो गया कि एक टाइमशील्ड मैच था मफतलाल वर्सेस टाटा, जो सुधीर नायक सर बैटिंग कर रहे थे। तो बोलता है कि मैंने तीन चार अपील किए लेग बिफोर के, तो सुधीर नायक सर गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा अभी पूरा दिन भर तेरे को आउट नहीं होता, और ही बैटेड थ्रू आउट द डे और 189 नॉट आउट रह गए। दैट वाज बॉम्बे क्लास। और वो किसने कहा? धीरज परसाना जैसे टेस्ट क्रिकेटर ने कहा, जो अपोनेंट था। तो ये जो डोमिनेशन पार्ट है वो हम लोग कहां मिस कर रहे हैं। दूसरी बात है कि बंबई का एक लड़का रणजी ट्रॉफी सिलेक्ट होता है तभी कम से कम वो 3,000 से 4,000 मैच खेलता है, कम से कम 7 से 8 आप जैसे अच्छे कोचेस के अंडर से जाता है। तो उसकी जो मेच्योरिटी लेवल है, और दूसरे स्टेट के लोग है, गुजरात ले लो, सौराष्ट्र ले लो, केरला ले लो, आंध्र ले लो, वहां हार्डली 200-300 मैच खेलने के बाद अ प्लेयर गेट सिलेक्टेड फॉर रणजी ट्रॉफी। तो मैच्योरिटी लेवल जो मैचेस का जो अनुभव है वो हमारे बंबई क्रिकेटर्स के पास ज्यादा होता है, तो उसको हम लोगों ने कैपिटलाइज करना चाहिए। जब मैं जी डिवीजन से ए डिवीजन तक खेल रहा था तब तक मैं 700-800 मैच खेल चुका था, 1,000 मैच खेल चुका था। तो वो एक्सपीरियंस मैंने अप्लाई किया है, तब मैं रणजी ट्रॉफी खेला। जब रणजी ट्रॉफी में आया तो उसके ऊपर मैं दुलीप ट्रॉफी के लिए सिलेक्ट हुआ। तो ये जो है वो एक्सपीरियंस आपको अप्लाई करना चाहिए, वो अभी कमी थोड़ी लगती है। जी, कि हर क्रिकेटर जाता है तो मुझे ये मैच को खाली 30-35 करेंगे, आई एम सैटिस्फाइड। तो वो सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ानी चाहिए। ठीक है सर, दूसरा आगे का आपका सवाल है, बतौर सिलेक्टर किसी प्लेयर के सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होता है आपके? पहली बात है, देयर आर टू क्राइटेरिया टू गेट अ प्लेयर सिलेक्टेड। एक तो पहला क्राइटेरिया अप टू अंडर 17 और अंडर 16, परफॉर्मेंस इज द ओनली क्राइटेरिया टू गेट अ प्लेयर सिलेक्टेड। क्योंकि क्या होता है कि 13-14-15-16 ये एज ऐसी रहती है कि ये एक्चुअली हर सिलेक्टर ने सोचना चाहिए कि 14-15, 13-14-15 ये बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होता है बच्चे का। और वही एज में आपके बॉडी स्ट्रक्चर, आपकी ग्रिप, आपका बोलिंग हैंड, या फिर कोचेस उनके ऊपर कोई चेंजेस करते हैं। तो ये सब चेंजेस के बावजूद उसके पास से हम लोग खाली यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसका कंसिस्टेंसी इन परफॉर्मेंस होना, मैच में रन्स करना चाहिए। तो अप टू 16 हर सिलेक्टर ने हर मैच देखने की तैयारी रखनी चाहिए। जी। अंडर 14 में हर 2 दिन में प्लेयर में चेंज आता है, उसके बॉडी स्ट्रक्चर में चेंज आता है, उसके कोचेस उसको चेंज करते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है ये बच्चा सव करता, सडनली वो एक माइनर चेंज रहता है, माइनर चेंज होता है, वो माइनर चेंजेस होता है उसकी वजह से उसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम होता है, कभी कभी ज्यादा भी होता है। जी। तभी ये ध्यान देने का काम सिलेक्टर का है। तो अप टू अंडर 16 कंसिस्टेंसी इन परफॉर्मेंस इज द ओनली क्राइटेरिया टू गेट सिलेक्टेड फॉर बॉम्बे। और अंडर 19 से एक्चुअल क्रिकेट शुरू होती है। जी जी। तो अंडर 19 में सिलेक्टर को विजन होनी चाहिए। परफॉर्मेंस तो परफॉर्मेंस इज द ओनली क्राइटेरिया, लेकिन उसके साथ उसके पास विजन भी होनी चाहिए कि ये यही लेवल खेल सकता है कि इसके ऊपर भी खेल सकता है। तो ये सब लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि कभी कभी मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ सिलेक्टर को गालियां देते हैं, अरे यार इसने मेरा बच्चे को सिलेक्ट नहीं किया, सिर्फ 2 ही बॉल दिखाए, 4 ही बॉल दिए। तो जो सिलेक्टर बॉम्बे सिलेक्ट करता है, एमसीए सिलेक्ट करती है, उसके पास वो क्रेडेंशियल रहता है, वो सीनियर क्रिकेटर रहता है, वो बॉम्बे के लिए खेला हुआ रहता है, तो उनको पता होता है, उनकी विजन होती है कि ये खेल सकता है कि नहीं। तो ये अगर खेल सकता है तो ही हम लोग उसका विजन भी देखते हैं। तो अंडर 19 के लिए और अंडर 19 के ऊपर अंडर 23 के लिए कंसिस्टेंसी विद परफॉर्मेंस ये तो होना ही है, लेकिन उसके साथ सिलेक्टर का विजन जरूरी होता है। अभी आप सोचो रणजी ट्रॉफी में हार्डली 13-14 सिलेक्ट, हार्डली 13 प्लेयर तो सिलेक्ट ही होते हैं। तो देर वहां पे सिर्फ 2-3 प्लेयर्स की जगह खाली होती है। जी जी। तो उसके लिए देर इज लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन। तो आपको हर जगह जाके उसकी कंसिस्टेंसी देखनी है, उसके ऊपर आपका विजन क्या है, उसका डिसिप्लिन लेवल क्या है, उसका अप्रोच कैसा है, और सबसे बड़ी बात उसकी टेम्परामेंट क्या है, उसका टेम्परामेंट लेवल क्या है। ये सब चीजें जब सिलेक्टर देखता है और उसके ऊपर से वो सिलेक्ट होता है तो ही वो प्लेयर अच्छा खेल सकता है।
एक मैच में 100 बनाया, दूसरा मैच में 40 बनाया, उसके बाद में 3 मैच फ्लॉप है जी। तो इसकी मतलब उसकी टेम्परामेंट लेवल किधर तो भी कम कम। दूसरी बात कि वो हम लोग को देखना क्या है कि वो कहाँ आउट हो रहा है। एक मैच में उसने 100 किया है, दूसरे मैच में जल्दी आउट हुआ, तीसरे मैच में जल्दी आउट होगा, तो कहाँ आउट हो रहा है जी जी। तो ये कोच का भी काम है कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ यू नो द प्लेयर्स दैट दे आर गेटिंग आउट इन 3 टाइप्स। एक तो स्लिप में, अगर बॉल को कंसिस्टेंसी है कि स्लिप में आउट हो रहा है जी, तो उसको ही लैक्स इन जजमेंट जी, मूवमेंट नहीं, उसको जजमेंट नहीं आ रहा है कि बॉल जल्दी खेल रहा है। इफ ही इज गेटिंग आउट एट एक्स्ट्रा कवर और शॉर्ट मिड विकेट और कवर्स और पॉइंट जी, इसमें इसका मतलब है ही लैक्स इन टाइमिंग। यस, वो एक तो जल्दी खेल रहा है या तो लेट खेल रहा है, तो उसको टाइमिंग जज। और तीसरी बात है, अगर एक प्लेयर जोर जोर से मार रहा है जी, और वो लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ डीप मिड विकेट पे या स्क्वायर लेग पे आउट होता है, तो ही लैक्स इन पावर। तो वहां पे तो ये 3 प्रकार के रोग होते जी। ये एक्चुअली कोचेस को भी समझना चाहिए कि इसका इसको कौन सा ट्रीटमेंट देना चाहिए जी जी। अगर ही इज गेटिंग आउट इन द स्लिप्स और गली और सो ही लैक्स इन जजमेंट, उसको जजमेंट नहीं आ रही, तो उस तरीके का एक्सरसाइज देना चाहिए, समझा जी। तो अगर वो लेफ्ट आर्म स्पिनर को या स्पिनर्स को एक्स्ट्रा कवर में आउट हो रहा है या शॉर्ट लेग में आउट हो रहा है जी, या फिर गली में आउट हो रहा है, तो ये लैक्स इन टाइमिंग, उसका टाइमिंग इंप्रूव करना चाहिए जी, कि वो जल्दी खेल रहा है जी, तो उसको कैसे एडजस्ट करना है। अगर लंबे मार के आउट हो रहा है, पावर में थोड़ा कम पड़ रहा है, तो वो किस तरीके से मेडलिंग होना चाहिए। सो ये सिलेक्टर को ये देखने चाहिए कि अप टू 16 ओनली परफॉर्मेंस इज द क्राइटेरिया टू गेट अ प्लेयर सिलेक्ट। अंडर 19 रणजी ट्रॉफी, 23 यूनिवर्सिटी, आपके पास विजन भी होनी चाहिए कि ये कर सकता है कि नहीं। सो टेम्परामेंट की वो लेवल होनी चाहिए। बोलिए सर, आपने काफी साल क्रिकेट में सिलेक्टर रहे हैं, आपने काफी क्रिकेट देखा है, क्या फर्क होता है 2-3 साल खेलने वाले क्रिकेटर में और रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे खिलाड़ी जो 15-20 साल क्रिकेट खेलते हैं, तो इनके क्या आपको फर्क दिखता है? सबसे बड़ा फर्क होता है टेम्परामेंट जी। दूसरा बात होता है कि मुझे जो लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि 2 तरह के क्रिकेटर होते हैं। एक तो ऐसा होता है कि सक्सेस को सक्सेस से डरता है जी। मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, मुझे कुछ ये नहीं हो रहा कि सक्सेस को वो डरता है कि इसके बाद में मैं मेरे को फेलियर फेस ना करना पड़े जी। और दूसरा जो प्लेयर है वो दूसरा प्लेयर ऐसा होता है कि मुझे और सक्सेस चाहिए जी। लाइक सचिन तेंदुलकर जी, राहुल द्रविड़, विनोद कांबली, यस, दिलीप वेंगसरकर, सक्सेस और चाहिए जी, और चाहिए। देयर आर सर्टेन क्रिकेटर्स कि एक दो मैच में अगर 100 होगा तो ही विल ट्राई टू अवॉइड, ऐसे भी क्रिकेटर्स मैंने देखे, अरे नहीं मैं ये मैच नहीं खेल रहा हूं नेक्स्ट मैच। यस, तो दैट इज द मेन रीजन कि कोई कोई प्लेयर्स, इट इज अ मैटर ऑफ टेम्परामेंट। वो मैच में देखो लोकल में बहुत जन रन्स करते हैं, लेकिन जब वो लेवल पे आपको जाना है, रणजी ट्रॉफी, दुलीप ट्रॉफी, तो यू हैव टू बी वेरी टफ। और वो टफनेस जो है, वो टेम्परामेंट जो है, वो टेम्परामेंट कहीं तो भी कम गिरता है। इसीलिए ऐसे कितने अच्छे क्रिकेटर्स हैं कि जो बहुत बड़े लोकल में रन्स किए जी, लेकिन दे गॉट फेल्योर इन नेशनल लीग। सर आपने काफी क्रिकेट देखा है, बहुत बड़े क्रिकेटरों के साथ खेला है, कोई एक प्लेयर का नाम लीजिए जिसको आपके नजर में ये लगता था कि वो काफी आगे तक खेल सकता था लेकिन वो नहीं खेल पाया, किसी एक क्रिकेटर का नाम? रणजी ट्रॉफी प्लेयर और बॉम्बे प्लेयर? बॉम्बे रणजी ट्रॉफी या इंडिया के लिए जिसको आप ऐसा फील करते हैं कि वो एटलीस्ट बॉम्बे में काफी लंबा खेल सकता था या इंडिया में मटेरियल था लेकिन वो बॉम्बे भी नहीं खेल पाए? पर्टिकुलर नाम लेना इब्राहिम भाई डिफिकल्ट है, क्योंकि ना बहुत प्लेयर थे जी। उसमें क्या था प्रॉब्लम, ऐसा है ना कि उसमें ना सिलेक्टर का प्रॉब्लम है, ना एमसीए का प्रॉब्लम है, ना कोई क्रिकेटर का प्रॉब्लम जी, जी। बॉम्बे इतनी पावरफुल टीम थी जी, कि जस्ट बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग चांस टू कम इन मुंबई साइड, ऐसा होता कि कभी कभी उनका टैलेंट होने के बावजूद भी एमसीए तो हर जगह आपको देखती है कि सब आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, सब करते हैं, सिलेक्टर्स भी उतने अच्छे थे जी। लेकिन क्या हो रहा था कि तभी मेरे टाइम भी देखो कितने लेफ्ट आर्म स्पिनर थे जो अच्छे अच्छे विकेट निकालते थे, मुझे चांस मिला।
मैं खेला जी। तो मैं खेला तो मैं 6 साल खेला जी। मेरे बाद में नीलेश कुलकर्णी आया, नीलेश कुलकर्णी खेला तो नीलेश कुलकर्णी के टाइम भी बहुत अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, लेकिन जस्ट बिकॉज ही गॉट अ चांस एंड ही परफॉर्म्ड वेल, है ना, तो वो ऐसा है कि ऐसे बहुत प्लेयर्स कि जब गुरु, स्पेशली मैं नाम लूंगा गुरु गुप्ते का, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटर्स, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटर्स, एक ही मैच खेला 165 अगेंस्ट वेंकट राघवन, तो तमिलनाडु के सामने ही अशोक मनकर साहब या फिर गावस्कर साहब उस वो जब अवेलेबल नहीं थे तो गुरु गुप्ते को खेला जी, जी। और गुरु गुप्ते ने वो मैच में 165 नॉट आउट और अगेंस्ट वेंकट राघवन वीवी कुमार जी, उनके सामने 165 नेक्स्ट मैच ही वाज ड्रॉप्ड जस्ट बिकॉज वो लोग इंडियन टीम में वापस आए। रामनाथ पारकर 3 साल पानी दे रहे थे, द ग्रेट क्रिकेटर, सो देर आर सो मेनी क्रिकेट, देर इज द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर, बट जस्ट बिकॉज दे डिडंट गेट अ चांस टू कम इन मुंबई साइड बिकॉज द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स वेर इन साइड। अभी आप सोचो ना कि कितने प्लेयर ऐसे, मैंने कड़ू सर से, कड़ू भाई करसन गावरी साहब के मुंह से हमने सुना था कि उधर बॉम्बे में चांस मिलना मुश्किल होता था जी, तभी लोकल में कितने क्रिकेटर्स थे कि 100-100 करते थे, लेकिन नहीं मिल सकते, देयर आर सो मेनी क्रिकेटर्स, लेकिन इसके मतलब उसके ऊपर अन्याय नहीं हुआ, अन्याय नहीं जी। जो अच्छे थे तो सबसे बड़े थे जी, जी। अभी दिलीप वेंगसरकर का सर जी। क्या कंपैरिजन, किसी की हो ही नहीं सकता वाली सर। अभी आप करंट सेलेक्टर हैं, करंट मुंबई रणजी ट्रॉफी में से कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो लगता है कि आप इंडिया के लिए खेल सकते हैं? गुड क्वेश्चन, तो खेल रहे शिवम दुबे खेल रहा है, फिर नहीं, जो खेल रहे हैं उनके अलावा जो करंट लाट है या सपोज करिए अंडर 19 लेवल पे हैं या अंडर 19 से रणजी ट्रॉफी या वो, कौन ऐसे प्लेयर हैं जो यंगस्टर जो आपको लगता है कि इंडिया खेल सकते? मुझे एक आयुष मात्रे लग रहा है, मनन भट्ट अच्छा लग रहा है, सिर्फ देखो मैं बॉम्बे का देखता हूँ जी, लेकिन ये दोनों का टैलेंट बहुत बढ़िया है जी। दूसरी बात है हमारे रणजी ट्रॉफी में तो अच्छा चल ही रहा है जी, सम्स तो हर मैच में निकाल रहा जी, है जी। बॉम्बे टीम में कोटियन है, मुशीर खान है, मुशीर के पास वो टैलेंट जी, मुशीर के पास टैलेंट से ज्यादा टेम्परामेंट है, टेम्परामेंट जो सरफराज के पास लास्ट साल तक था जी, जी। मुशीर के पास, मुशीर इस गुड, मनन भट्ट इस गुड जी, जी। आयुष मात्रे मुझे अच्छा ये कर सकता है जी, जी। इसका टेम्परामेंट क्वालिटी है। अभिज्ञान खिंडू बहुत जल्दी होगा, देखो इब्राहिम भाई एक रहता है, जैसे आपको चौथा माले पे जाना है तो पहला माला है, दूसरा माला है, तीसरा माला है, इट इज नॉट इजी और इट इज नॉट राइट ऑन माय पार्ट दैट दे विल प्ले फॉर इंडिया, क्योंकि क्या होता है जो हर्डल्स बीच में है वो भी इतने बड़े हैं, हमको ऐसा लगता है कि अगर मैं अभी आजाद में बैठा हूँ और आजाद मैदान पे बैठने के बाद मुझे लगता है इंडिया खेलेगा, अरे लेकिन उसके बीच में रणजी ट्रॉफी है जी, जी। उसके बीच में दुलीप ट्रॉफी है, उसके बाद में ईरानी ट्रॉफी है, रेस्ट ऑफ इंडिया है, और उसके बाद में तो ये चार हर्डल इतने हैं, ये हर्डल पार करना इतना इजी नहीं है, सो वी कैनॉट कम टू एनी कंक्लूजन की अभी मनन भट्ट, अभी देर आर, अब अभी उस तरीके से देखिए कि देर आर सो मेनी क्रिकेटर्स हु गॉट अ चांस बट दे डिडंट परफॉर्म, क्योंकि कभी कभी इट्स अ मैटर ऑफ योर टेम्परामेंट, वो टेम्परामेंट लोकल लेवल में हो सकता है जी, जी। यही आज हम लोग सफर कर रहे हैं जी, कि लोकल में बहुत जन सौ करते हैं जी, व्हेन दे गेट अ चांस टू रिप्रेजेंट मुंबई दे इमीडिएटली सडनली कम डाउन, क्योंकि वो टेम्परामेंट वो एक्सेप्ट नहीं करते जी। तो अगर आप रणजी ट्रॉफी में सक्सेस हुए तो आपको दुलीप ट्रॉफी का टेम्परामेंट अलग है जी, ईरानी ट्रॉफी का टेम्परामेंट अलग है, उसके बाद में जब आप मास्टर होंगे सब एरिया में तो आप इंडिया खेल जी। रणजी ट्रॉफी में कैसे आप अपने
चीज पे अगर मास्टरी है तो यू कैन प्ले रणजी ट्रॉफी एज पर माई व्यूज, कि अगर यू आर अ बॉलर एंड अ बैट्समैन यू कैन प्ले जी। दुलीप ट्रॉफी में आपको दोनों जगह परफेक्शन होना चाहिए, लेकिन जब आप इंडिया को रिप्रेजेंट की सोचते हो तो यू हैव टू बी द परफेक्शनिस्ट, द बेस्ट। यस, वो बेस्ट होने के लिए जो हर्डल्स है, इसीलिए ये सही नहीं होगा कि मैं किसी का नाम लू के इंडिया खेले। बीच में अंडर 19 के प्लेयर ऐसे कितने हैं कि बाद में डिसअपीयर हो गए, और मेरे स्टेट के नहीं, मैं अभी 14 साल मैच रेफरी था इंडिया का जी। तो मैंने ऐसे कितने प्लेयर देखे जी। कि एक चार करके था दीपक चार, जो अभी का दीपक चार नहीं, जो राजस्थान को खेला, आई वाज अ मैच रेफरी, उसने जो ड्रीम स्पेल डाला, हैदराबाद गॉट आउट फॉर 45-46, उसने 7 विकेट निकाला, सेकंड इनिंग में 5-6 निकाला, इट वाज अ ड्रीम स्पेल, बाद में किधर दिखाई नहीं दी। तो क्या होता है बाद में, बहुत से ऐसे एस्पेक्ट्स है कि कोचेस उसके सामने आते हैं, फिर उसके बाकी के वेल विशर आते हैं, फिर क्रिटिसाइजर्स आते हैं जी, तो ये सबको कैसा वो झेल पाता है, हैंडल करता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो उसके ऊपर वो, इसीलिए जो गड़े बड़े प्लेयर्स है, गावस्कर साहब है, वेंगसरकर साहब है, इनकी मेंटल टफनेस ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज T20 और T10 का दौर है, आज के युवा इससे प्रभावित होकर वैसे ही खेलने की कोशिश करते हैं, ऐसे में तकनीक सेकेंडरी हो जाती है, ऐसे नहीं, ऐसा कुछ मेरा सवाल अब, ऐसे में पारंपरिक क्रिकेट को जो कि रियल क्रिकेट है उसको सुरक्षित रखने के लिए क्या सुझाव सुझाव देना चाहिए? सुझाव का सवाल नहीं आता है जी। टोटल तीनों भी डिफरेंट फॉर्मेट है जी। फॉर्मेट तीनों भी अलग है जी। और तीनों फॉर्मेट का क्रिकेट वही है कवर्ड रहे, T20 में भी वही है जी। देखो देर आर सो मेनी क्रिकेटर्स देर वेयर महिला जयवर्धन है, सलीम यूसुफ, अब यूसुफ योहाना, अपना राहुल द्रविड़, ये सब फॉर्मेट खेल चुके, सचिन तेंदुलकर है ना, सब खेले और सब फॉर्मेट में वो परफॉर्म किया, MS धोनी, स्टीव वॉ, यानी क्रिकेट में ये नहीं है, आपके अप्रोच में फर्क होता है। तो ये समझना, एडॉप्ट करना, ये जरूरी होता है कि जब मैं वो जो माइंड सेट है वो माइंड सेट चेंज करना है, वो नहीं हो रहा कि हम लोग T20 खेल रहे हैं तो T20 के फॉर्मेट में ही हम लोग जा रहे हैं, इसका मतलब वो स्पोर्ट्स का प्रॉब्लम नहीं है जी। जी, उसके जरिए आपको पैसा भी मिल रहा है, उस फेम भी मिल रहा है, आपको एक स्टेपिंग स्टोन करके आप यूज कर रहे हो जी, है ना, सिलेक्शन के लिए बहुत बड़ा एक जरिया होता है जी, कि आप T20 में भी परफॉर्म कर सकते हैं। पहले कैसे था, सिर्फ रणजी ट्रॉफी में परफॉर्म करो, आज आप वनडे में कर सकते हो, T20 में कर सकते हो जी। तो सिलेक्टर्स ये नहीं देख रहे कि आप वो 22 में इम्प्रोवाइजेशन के लिए पर आपको सिलेक्ट नहीं कर रहे जी, जी। आपके परफॉर्मेंस पे कर रहे हैं, तो परफॉर्मेंस इज द ओनली क्राइटेरिया जी। तो ये भी देखो कि हमारे ये टाइम जो सिलेक्शन कमेटी थी, MCA थी, CIC थी जी, जी। ये मैं मुंबई का बोल रहा हूँ, उन्होंने उस तरीके से ही टूर्नामेंट का आयोजन किया था जी, कि शुरू में BCCI की T20 है तो हमारे MCA ने पहले T20 के टूर्नामेंट रखे जी, बाद में वनडे के किए, तो इतना अच्छा आयोजन किया है, लेकिन वही प्लेयर सक्सेसफुल हो रहे हैं। इसका मतलब वो T20 शॉर्टेस्ट वर्जन, शॉर्टर वर्जन और लॉन्गर वर्जन, उसमें कोई फर्क नहीं, आपके माइंडसेट में फर्क है कि आप वही लेके आगे तक जा रहे हो जी। और जो आज बंबई को खेल रहे हैं, वो बंबई को इसीलिए खेल रहे कि तीनों फॉर्मेट में वो लोग परफॉर्म करते हैं जी। तो ये जरिया करके आपने देखना चाहिए कि मुझे T20 मिला तो मैं T20 जैसा बॉलिंग डालूंगा जी, वनडे जैसा बॉलिंग डालूंगा, 5 days जैसा। इसीलिए MCA ने जो ऑर्गेनाइज किया था, स्पेशली MCA एंड CIC, कि इन्होंने उस तरीके का ही आयोजन किया जी, जी, जी। सो बहुत सक्सेसफुल, इसीलिए हमने अभी 2 मैच आउटराइट जीते जी, रणजी ट्रॉफी में। आप मुंबई जैसी बड़ी टीम के सिलेक्टर हैं जिसने सबसे ज्यादा बार रणजी ट्रॉफी जीती है, सिलेक्टर का काम कभी आसान नहीं होता है, मैं आपका एग्जाम्पल देता हूँ सब किसी को, कि आप पर्सनली ग्राउंड पे आके टैलेंट्स को देखते हैं, मैचेस देखते हैं, और जो लड़का अच्छा कर रहा होता है उसको आप काफी बैक करते हैं। मुंबई क्रिकेट में देश के दूसरे बोर्डों के मुकाबले में ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा है, आप अच्छा कर रहे हैं तो आप सिलेक्टेड होते हैं, आप सिलेक्ट करते
स्टमक कभी कभी बाहरी दबाव भी होता है, तो आपका कभी ऐसा फील होता है कि नहीं, हम उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, नहीं, प्रभावित होते नहीं, हैं? नहीं, मैं तो नहीं हुआ अभी तक, को मैंने देखा नहीं। जी जी, अभी आप सोचो दिलीप वेंगसरकर चेयरमैन, कौन प्रेशर डालेंगे, कौन प्रेशर डालेंगे? अब ये जो कहने की बातें होती है, अभी ये देखो कि प्रेशर जो, ये मैंने कभी देखा नहीं आज तक, तो मैंने देखा ना, मुझे किसी ने कहा इसको देखो। हाँ, हर क्लब का हक होता है, जी जी, हर आदमी का, हर कोच का हक होता है कि आप सिलेक्टर को बोला, बोलो कि इसको देखो। यस, वी गो देयर। जैसे आपने कहा कि मैं हर मैच देखता हूँ, जबकि मेरे सब कलीग भी वैसे करते हैं। जी जी, कि आप उनको सजेस्ट कर सकते हो कि ये लड़के को देखो, जी, लेकिन इसको ले लो ऐसा कभी नहीं होता। जी जी, ये हमारे क्लब के वजह से आज के मुंबई क्रिकेट है, जी, आपकी वजह से क्रिकेटर्स है, जी, और क्रिकेटर्स की वजह से सिलेक्टर्स है, जी। तो सिलेक्टर्स को आप कह सकते हो कि इसको देखो। जी जी, मैंने इतने साल में कभी नहीं देखा कि किसी ने मुझे कहा कि इसको लेना है, लेना, ये लेना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। और सिलेक्टर्स का जॉब जो है वो थैंकलेस है। आप 99 अच्छा करो और एक आपके हाथ से गलती हो गई, और डेलिबरेटली कोई नहीं करता। जी जी, कोई किसी का प्यारा नहीं है या किसी का अगेंस्ट नहीं है, करते रहते। जी जी, लेकिन होता क्या है कि ऐसा लगता है कि ये मेरे ऊपर अन्याय हुआ, अन्याय, तो अन्याय कोई अन्याय नहीं, नहीं करता, जानबूझ के कोई सिलेक्टर नहीं करता। इनफैक्ट मैं आपको एक, ये जो बात है ये आप देख लो, जी, आपको शायद पता नहीं होगा, शायद पता नहीं जी, कि रोहित शर्मा जी ये जो इंडिया को खेल रहे हैं वो ओनली बिकॉज ऑफ मिस्टर वेंगसरकर सर। जी, आपको पता है ये मालूम नहीं, है? नहीं, नहीं। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ कि किसी को पता नहीं। जी, मैं सिलेक्शन कमिटी में था, राजू कुलकर्णी था, मिलिंद रेगे था, जी, लेगे सर थे, और दिलीप वेंगसरकर वाज ही वाज अवर चेयरमैन। जी, और आई वाज अंडर 19 चेयरमैन। जी, और तभी रोहित शर्मा अंडर 19 खेल रहा था। जी, अंडर 19 खेल रहा था, 6 मैच वो फ्लॉप था वनडे जी एट अहमदाबाद। जी, वनडे थी वे जोन में, वनडे थी, तो 6 मैच वो फ्लॉप था, और सुलक्षण कुलकर्णी वाज अवर कोच। जी, तो 4 मैच के बाद में सुलक्षण ने मुझे एक दो बार बोला, संजय इज नॉट गेटिंग रन्स। तभी थोड़ा सा वो टूर उसको अच्छा नहीं गया वनडे, तो मैंने बोला ठीक है अभी देख लेंगे बाद में, नेक्स्ट ईयर का आई मीन 3 डेज वगैरह रहेगा। वो 15 दिन में एयर इंडिया ने उसको स्कॉलरशिप बेसिस पे दिल्ली लेके गए, और दिलीप सर वहां पे कोई फंक्शन के लिए गए। जी जी, और बीच में उनको टाइम मिला, ये हमको पता नहीं था, हमको पता नहीं था, उन्होंने हमको कुछ बताया नहीं। जी, और सडनली वो बॉम्बे टीम अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया टीम, ऑस्ट्रेलिया के सामने सीसीआई पे मैच थी, तो दिलीप सर सिलेक्शन में आए और बोले कि अरे तो रोहित शर्मा का नाम डालो। तो हम शॉक हुए कि अरे मैं बोल रहा हूँ कि चेयरमैन हूँ, चंदू पंडित, चंद्रकांत पंडित ये थे कोच थे, उन्होंने मेरे पास देखा। तो मैं भी शॉक हो गया कि जो लड़का 6-7 इनिंग में परफॉर्म नहीं किया है, तो सडनली सर उसका नाम ले रहे कि एक तो वो रणजी ट्रॉफी में भी नहीं था, अंडर 19 में था, लेकिन सर बोले कि नहीं नहीं उसको मैच खिलाओ। तो चंद्रकांत पंडित मुझे पूछे कि कैसा है, बोला सर एक्चुअली ही वो लग रहा है कि वो अच्छा प्लेयर है लेकिन परफॉर्म नहीं हो रहा है, तो डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया के सामने। तो दिलीप सर ने मुझे डांटा, संजय मैंने बोला है ना उसको डाल दो। तो बाद में वो मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया का सिलेक्ट हुआ, उसके बाद में सर ने हमको बोला कि वो 15 दिन में दिलीप सर भी दिल्ली में थे, और दिल्ली में जब वो थे तभी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मुनाफ पटेल वगैरह खेल रहे थे, उसके सामने रोहित शर्मा ने जो बैटिंग किया है 140-145 कुछ किया, तो सर वॉज वेरी इम्प्रेस, वो बोला कि ये इंडिया मटेरियल है। जी, जी। ये जो जोहरी है ना, जोहरी जोहरी सही, ये वेंगसरकर सर थे। वेंगसरकर सर ने सबको, जो बड़े बड़े विराट कोहली वगैरह सबको वेंगसरकर सर ने लाया। विराट कोहली हुए, सब यशस्वी जायसवाल का नाम मैं बोल रहा हूँ ना, वो आदमी ऐसा है वो कभी बात नहीं करता लेकिन जोहरी है वो। जी जी, बहुत सीखा, सीखने को मिला जब चेयरमैन थे। अरे कभी बोलते नहीं थे लेकिन एक ऐसा बोलते थे कि ये अच्छा है वो खेल जाए। तो विराट कोहली है, फिर वो मनोज तिवारी है,
रोहित का तो किसी को ज्यादा मालूम ही नहीं, और वो सर ने कभी बताने की कोशिश भी नहीं, बताने की कोई, आज ऐसा आज ऐसा है कि एक क्रिकेटर खेलता है तो 10 जन बोलते हैं मेरी वजह से खेल, लेकिन वेंगसरकर सर की वजह से बहुत से क्रिकेटर खेले। एग्जैक्टली सर, और ही वॉज द ओनली पर्सन कि जो बॉम्बे क्रिकेट के लिए अभी भी अंदर है, सब देखते हैं, आज भी वो मेरे कान खींचते हैं, कभी अरे इसको नहीं देखा, उसको नहीं देखा। तो ऐसे लोग बॉम्बे के लिए जरूरी है। जी जी, एक जमाना था जब रणजी ट्रॉफी पर मुंबई का वर्चस्व हुआ का एकाधिकार हुआ करता था, कोई टीम हार्डली जीत पाती थी, और आजकल परफॉर्मेंस थोड़ा सा लो होते जा रहा है और हमारा वर्चस्व खत्म हो गया है। क्या हो रहा है कि नहीं नहीं पहले की वजह क्या मानते नहीं, नहीं नहीं एक तो वो क्रेडिट पैडी सर, दिलीप सर, ये जो बड़े लोग थे उनका क्रेडिट में ये नहीं खर्च, लेकिन मेरे मुझे ऐसा लगता है, मेरी सोच बहुत कम होगी शायद, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम प्रोफेशनल प्लेयर्स नहीं खेलते जी। आज आप देखोगे तो बॉम्बे के ही जो अच्छे क्रिकेटर्स है, दे आर प्लेइंग फॉर अनदर स्टेट्स जस्ट बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग चांस टू प्ले फॉर बॉम्बे। सेकेंड, ये मुझे ऐसा लगता है, सेकेंड थिंग क्या रहता है कि जब जब रणजी ट्रॉफी आती है, आप देखो आज हमारे 10 जन बॉम्बे के बाहर है, बाहर है। अब समझे उस टाइम कैसा था कि टेस्ट क्रिकेट सिर्फ था जी, आज आईपीएल के लिए बिजी है, yes. आज वनडे के लिए बिजी है, T20 के लिए बिजी है, इंडिया ए टीम के लिए बिजी है। आज मेरे बम्बई के 10 प्लेयर बाहर है, बाहर है, तो जो 10 प्लेयर के ऊपर बम्बई की मदार है, जो 10 प्लेयर ने आज तक जिता के दिए, वो 10 के 10 बाहर है। सरफराज ने सब किया, सरफराज इंडिया ए टीम के लिए गए, शार्दुल ठाकुर ने ये किया, ये इधर गए, तो बाद में हम लोग को ये कंडीशन होती है कि बाद में सेकंड लाइन अप इमीडिएटली उनको भेजेंगे और वो लोग खेल रहे हैं, वो हमारे बॉम्बे के प्लेयर्स के अगेंस्ट खेल रहे जी, जो बाहर गए बेचारे। और बाकी के स्टेट का भी अभी बीसीसीआई की वजह से सब सब स्टेट का जो स्तर है बहुत ऊपर आया जी, जबकि मैंने मैच रेफरी करके देखा है जी, जी। आप अभी आंध्र को भी ये नहीं समझ सकते कि ये विकर साइड, जी, जी। आप केरला को नहीं सकते समझ सकते कि ये विकर साइड, और पांडिचेरी भी अच्छा, पांडिचेरी भी अच्छा है, क्योंकि सब स्टेट ने अभी ये सोच लिया है कि नहीं, बीसीसीआई की वजह से सबको जो जो हेल्प मिल रही है, जो सपोर्ट मिल रहा है, तो हर एक स्टेट ये देखता है कि मेरा प्लेयर आगे कैसा जाए, तो ये बहुत बड़ी बात है बीसीसीआई के लिए। और दूसरी बात, बॉम्बे नीचे नहीं है जी। बाकी के स्टेट ऊपर हो गए, और बॉम्बे के जो जब जब अभी भी बॉम्बे के ऊपर टारगेट रहता है जी, जी। बॉम्बे का प्लेयर है इंडिया ए टीम में, इंडिया इंडिया बी टीम में जी। तो आज मेरे 10 हमारे 10 प्लेयर मेरे बॉम्बे के नेशनल ड्यूटी, नेशनल ड्यूटी पे है। तो आप कैसा सोचते, उस टाइम कैसा था कि 2-3 वेंगसरकर सर थे, शास्त्री है, क्या सचिन है, इधर तक थे, बाकी तो थे ना जी। तो ये जो स्थिति है ये कोई समझ नहीं रहा है, हर हर आदमी वही क्रिटिसाइज कर रहा है, अरे वो बॉम्बे की टीम, अरे हाँ, लेकिन उस टाइम सिर्फ उतना ही टूर्नामेंट था, इंडिया टूर के लिए गई है, ये इधर गई है बस जी। आज इंडिया बॉम्बे के 10 प्लेयर साला इधर उधर जा रहे हैं, तो ये मेन ये है, तो ये समझना चाहिए लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, बहुत सारे आज एकेडमी जो हो गई है, क्रिकेट बहुत महंगा खेल हो गया है, और गरीब बच्चे टैलेंट होने के बावजूद भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि खेलना चाहिए, तो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन रिचेस्ट बॉडी है इंडिया में, तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन? मैं देखो 12 साल मैनेजिंग कमेटी मेंबर भी रह चुका जी, सिलेक्टर भी रह चुका, MCA हर तरीके से प्रोवाइड करते जी, हर तरीके से प्रोवाइड, मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि ये होना चाहिए और नहीं हो जी। मैं MCA को सैल्यूट करता हूँ जी, मैं बोल रहा हूँ ना, मैच रेफरी के जरिए मैं 14 साल हर स्टेट में गया हूँ, लेकिन हमारी जो MCA जो करती है जी, अनपर जी, कि आपको जो भी चाहिए। दूसरी बात, मुझे एक ऐसा ऐसा लगता है कि यार जो भी कोचेस है ना, उनको बुलाओ, एकेडमी लोगों को बुलाओ, ये मेरे मन में कभी से ये क्वेश्चन है कि सबको बुलाओ। देखो हर एक जन अपने आप भी अपने तरीके से सोचते कि मेरा बच्चा आना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक वीक सब कोचेस, सब एकेडमी कोचेस को बुलाओ, उनके व्यूज ले लो। अभी आपके पास एक अच्छा बच्चा खेल रहा है,
मुझे उसका मालूम नहीं है। और सिलेक्टर का भी वो प्रॉब्लम होता है कि अभी हम लोग 4 या 5 ही सिलेक्टर रहते हैं, तो कहाँ कहाँ जाए, तभी ये जो फीडबैक रहता है ये फीडबैक बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि एकेडमी जो जो चला रहा है उनको कंधे पे मत बैठाओ, सर पे मत बिठाओ, लेकिन उनका व्यूज ले लो कि यस आपका क्या है, आपका कौन सा अच्छा लड़का है, चलो उसको भेजो। और ये साल हमने किया कि हमने ए बी सी डिवीजन के जितने अच्छे परफॉर्मर थे उनको सबको बुलाया, और वो आपको आप देखेंगे कि ये साल मैक्सिमम 100 है मैक्सिमम, तो ताकि ये अगले साल की बेगमी है। मुझे अभी भी लगता है कि सब कोचेस को जो जो भी है कोच इंक्लूडिंग यू ऑल अकेडमी चला रहा है, अरे वो भी अपनी तरफ से मेहनत कर रहा है। हम लोग क्या सोचते अरे अकेडमी चला रहा है पैसा कम, अरे पैसे के बेचारे वो बेचारा कुछ नहीं कर रहा, योगदान भी दे रहा है मुंबई क्रिकेट के लिए, योगदान भी दे रहा है ना। तो मुझे ऐसा लगता पर्सनली कि ये सबको एक वीक बिठा के उनका व्यूज लेना है कि उनके प्लेयर्स क्या क्या अच्छे है, सेंड देम टू आवर नेट्स, हमको देखने दो उसमें से। हाँ उधर आपका इंटरफेरेंस नहीं चलेगा, आप भेजो हम देखेंगे, हम सर्टिफाई करेंगे, हम उनका परफॉर्मेंस लोकल मैच में देखेंगे जो ये साल हमने किया और इसके बाद में भी करते रहेंगे सब जन। तो ये अभी अच्छा चल रहा है और एमसीए के लिए बहुत बड़ी बात है, एमसीए ने आज तक जो भी चाहिए इमीडिएटली दिया गया, सो वेरी इम्पोर्टेंट। बोलिए सर। क्रिकेट एक ऐसा खेल है कि ग्लैमर बहुत है, लोग पेरेंट्स आते हैं, सबसे पहला सवाल उठता है कि हमारा बच्चा आईपीएल कब खेलेगा। एक क्रिकेट में करियर बनाने के लिए, करियर बनाने के लिए आप पेरेंट्स को या क्रिकेटर्स आने वाले क्रिकेटर्स को आप उनको क्या सलाह देंगे कि कब क्या होता है। उसमें उसमें एक प्रॉब्लम भी है, देखो हमारे टाइम जॉब थे एम्प्लॉयमेंट है ना, अभी क्या हो रहा है बेचारा क्रिकेटर खेल 10 साल के बाद उसका क्या है मुझे पता, और उनको पता नहीं है कि 10 साल के बाद उनका क्या होने वाला है। तो मेरे ख्याल से आईपीएल भी उसको खेलना चाहिए। अभी उनके फादर जो है या मदर जो है वो भी देखो, ये मदर क्यों आती है जी। उनको ये नहीं लगता कि एक ही दिन में वो इंडिया खेलना चाहिए जी। लेकिन कुछ तो अचीव करना चाहिए, अचीव करना चाहिए। तो उसके लिए ये जो टारगेट है आईपीएल ले लो T20 ले लो जो भी, वो टारगेट अच्छा है तो उन्होंने कोई भी सिलेक्ट करना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि उनको रणजी ट्रॉफी खेलना चाहिए जी। लेकिन उसको खेलना चाहिए, लेकिन उसके लिए मुझे पेरेंट्स को एक बताना मुझे जरूरी लगता है कि उनको छोड़ दो, उनके ऊपर प्रेशर मत डालो। मैंने आपको आपको मैं एक इंसिडेंट बता रहा हूँ कि 10 साल पहले मैं मैनेजिंग कमेटी में था, सिलेक्शन कमेटी में था, सीआईसी में था, तब मैंने पेरेंट्स को बोला था कि अरे आप मत करो ये लोग गलत जगह में चले जाए जी। और उसके नेक्स्ट साल हम देखे थे कि वो बच्चे लोग एरोस बिरोस की इधर घूमते दिखाई दे, जो 12th month थे 13th month थे जी जी। क्योंकि वो लोग डरते थे क्रिकेट के लिए नहीं कि मेरे पिताजी शाम को मेरे को पूछेंगे और मैं क्या जवाब दूं, क्या जवाब दूंगा। तो वो उनके ऊपर इतना भी प्रेशर मत डालिए कि ये अभी का भी खेलना चाहिए जी। उनको एंजॉय कर ले, क्रिकेट एंजॉय कर ले। उनके कोच के हाथ में छोड़ दिया है ना, तो आप छोड़ दो जी जी। अभी का वो प्रॉब्लम हो रहा है कि पेरेंट्स को लगता है कि अभी क्या भी उसको, कितने फोन्स हमको आते हैं कि सर उसको नहीं मिला, चांस नहीं मिला। कई कई ऐसे पेरेंट्स भी आते हैं कि वो सोचते हैं कि सर इसके ऊपर अन्याय हो रहा है, उसको नहीं लिया उसको। अरे आप ये सोचो कि उसके ऊपर क्या गुजर रही है जी। आप अभी से उसका माइंडसेट बना रहे कि उसके ऊपर अन्याय हो रहा है, तो वो कैसे आगे जाएगा, वो आगे ही नहीं जा सकता। तो निगेटिव सोच, अगर मेरा बच्चा है अगर वो नहीं सिलेक्ट होगा तो मैं उसको ऐसा बोलूंगा कि यार और कर, और कर जी। और ये तेरा आखिरी दिन नहीं है। ऐसे कितने पेरेंट्स मैंने फोन में सुने हैं, सर आज लेना ही चाहिए था। अरे क्या होगा कल, नहीं कल क्या होगा उससे, कल खेलेगा परसों खेलेगा। और दूसरी बात है सिलेक्टर के बारे में, सिलेक्टर कभी बायस नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये लोगों की धारणा है कि अरे उसका प्लेयर ले, नहीं। जब हम लोगों को कुर्सी पे बैठ, वास्ट एक्सपीरियंस है, अभी भी लोग देखते हैं कि संजय पाटिल एक, मैं बता रहा हूं नहीं, ऐसा कोई नहीं करता जी। ये पहली बात अपने मन से निकाल दीजिए कि कोई सिलेक्टर जानबूझ के किसी के करियर बर्बाद, ये हमारी फसल है जी जी।
ये बच्चे लोग हमारी फसल, वहां से ही कोई सचिन आएगा, वहां से ही कोई संजय मांजरेकर आएगा, कोई भी आए जी। और सिलेक्टर का अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन क्या है कि उसका बच्चे इंडिया खेले जी। तो कौन से भी क्लब के हो, आज मेरे को खुशी है कि अजिंक्य रहाणे खेल रहा है जी। जी मैंने 10 साल का था तभी उसको सिलेक्ट किया जी। जी रोहित शर्मा खेल रहे जी। तो कोई सिलेक्टर ये नहीं सोचता कि इसको नहीं लेंगे, उसको नहीं लेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जब 450 बच्चे ग्राउंड पे देखते हो ना, अपना बच्चा पहचान को नहीं आता, नहीं आता। सही। आपको एक इंसिडेंट बता रहा हूँ मैं, गुरु गुप्ते का। उसका भाई का लड़का था, वो खुद बॉम्बे अंडर 19 खेलता था और इतनी भीड़ थी कि जब टीम हमने निकाली तो उसका नाम ही नहीं था टीम में, क्योंकि वो पहचान नहीं सका वो किधर है। ये सही बात है, तो ऐसा कोई बायस ये नहीं हो। बोलिए, आज के यंग क्रिकेटर्स को आप क्या सलाह देंगे? क्रिकेट एक पैशन, एक डेडिकेशन, और आप कितना मेहनत करना चाहिए एक नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए? पहली बात है कि अब मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे बहुत टैलेंटेड है, नो डाउट, और जो पेरेंट्स का सपोर्ट मिलता है, पेरेंट्स को सल्यूट है। यस, कोचेस लाइक यू ब्रिलियंट, देयर इन्वॉल्वमेंट इन बच्चे लोग ब्रिलियंट। सिर्फ बच्चे ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए, एक तो लॉयल्टी कि मैं जो कोच के पास हूं, मैं जो माँ बाप मेरे लिए कर रहे हैं वो रियलाइज करो, मैं जो क्लब को खेल रहा हूं वो क्लब को, मेरे कोच के लिए, मेरे माँ बाप के लिए मैं कितना योगदान दे रहा हूं। मैं वही बोल रहा हूं कि आपका योगदान जब 40 से 70 80 में गए जाएंगे, ऑटोमेटिकली यू विल प्ले फॉर बॉम्बे। आज क्या हो रहा है कि सबका माइंडसेट, अरे मेरे को ये टीम खेलने का, अगर ये सिलेक्टर नहीं है तो दूसरे टीम को खेलने का है। नो, ये कोच अच्छा नहीं, क्योंकि ये कोच का सिलेक्टर से अच्छा नहीं है, हमें दूसरे कोच के। नो, आप वो कोच के दिखा के दे दो कि मैं यहां से खेलूंगा, मैं सी डिवीजन के ऊपर कभी कांगा लीग नहीं खेला, मैं सी डिवीजन के कभी टाइमशील्ड नहीं खेला, लेकिन जो टीम को खेला मैं हर रात को ये सोचता कि मेरे को जिता के देना है, मेरे को जिता के देना। तो जब आप अपने क्लब को, अपने स्कूल को, अपने माँ बाप को, अपने कोचेस को जब डेडिकेटेडली परफॉर्म करके दोगे, जिसमें आपका योगदान 70-80% हो, कि कल शान से आप बोल सकते हो कि या ये क्लब को चैंपियनशिप में मेरे 300 थे, मेरे पांच पांच 3-4 विकेट से, तो आपको बोलने की जरूरत नहीं, सिलेक्टर आपके पास आए। तो ये बच्चे लोगों ने सुनना सोचना चाहिए। और दूसरी बात है, दिमाग से ये निकाल दो कि मेरे को नहीं लिया उसको लिया, ये कभी मत सोचना, आप कभी आगे नहीं जा सकते। ये सोचो कि उसने मेरे से क्या किया, उसने मेरे से ज्यादा विकेट लिए तो मुझे निकालने, अगर मैंने उससे ज्यादा निकाले तो और ज्यादा निकाल के मैं सिलेक्टर को दिखा दूंगा कि मैं इससे भी बढ़िया। बेस्ट एग्जाम्पल रमेश पवार का था, ही वॉज ड्रॉप्ड व्हेन ही वॉज इन अंडर 23, बट ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, वो निकल गया बैग लेके, और उसने ये सोचा कि मेरे को और निकालना है। और नेक्स्ट मैच हम लोग फाइनल खेल रहे थे पुलिस शील्ड, मैं और रमेश, पुलिस शील्ड फाइनल हम लोग जीत गए, रमेश ने निकाला, मैंने भी निकाला। तो तभी से रमेश का जो ग्राफ है, रमेश का कॉन्फिडेंस लेवल जो था वो अलग है। तो आपको अगर बड़ा खेलना है तो ये मत सोचना कि मेरे को क्यों नहीं लिया, उसको क्यों लिया, नहीं, मुझे लेने के लिए मैं सिलेक्टर को रिमाइंड करूंगा बार 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 बार, ये बात निकालना, ये बात। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, कीमती टाइम दिया, आप मैच रेफरी रहे, आपने एज ए प्लेयर मुंबई को सर्विसेज दी हैं, आज आज करंटली आप सिलेक्टर हैं मुंबई सीनियर टीम के। हम दुआ करेंगे कि आप एक दिन इंडियन सीनियर टीम के सिलेक्टर बने और ऐसे ही अच्छी अच्छी प्रतिभाओं को सिलेक्ट करते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंटरव्यू अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए।